लुक रंजन, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मैं समझता हूँ आपकी फैमिली कंडीशन के बारे में। सपोज कीजिए आपकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आपके पिता पे कर्ज है, भाई की पढ़ाई अच्छी जगह से करानी है, बहन की शादी भी करानी है, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, पैसा। ऑल इंडिया रैंक 8 कोई छोटी बात नहीं होती है रंजन, यू डिजर्व दिस। बहुत सही डिसीजन लिए हो भाई, एक सही डिसीजन स्प्रिंट से आईएएस बना देता है। बाकी मेहता सर का तो माहौल टाइट है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर का माहौल किसी टीचर से तय नहीं होता, बल्कि यहां रहने वाले हजारों लाखों एस्पिरेंट से, उनकी मेहनत से तय होता है। और टीचर्स आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, अब उन रास्तों पर कैसे चलना है, कितनी सफर तय करनी है, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। भाई तुम्हारे जिले के डीएम साहब वो भी तो यहीं से हैं। अरे हम तो अपना सपना जी रहे हैं भाई। हाँ भाई, मेरा भी यही सपना है कि यूपीएससी की तैयारी तो मेहता सर के इंस्टीट्यूट से ही करें। देखिए यूपीएससी अपने प्रिपरेशन में कुछ भी तय नहीं करता, फिर आप और हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम किसी खास इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे तभी आईएएस बनेंगे। और वैसे भी आपको उस इंस्टीट्यूट की फीस पता है? आपके सपने पूरे होने से पहले आपके अपने बिक जाएंगे। दिनेश? दिनेश नहीं बे, रौनक। रौनक मुखर्जी नगर की पहली मोहब्बत थी हमारी, उनका मेंस निकला और हम उनके जीवन से, तब से हम अपना नाम रौनक रख लिए। अब तो बस आईएएस जैसा दिखना है और आईएएस ही बनना है। भाई हम क्या कह रहे थे, मेहता सर के इंस्टीट्यूट के तरफ से ही चले क्या? हमेशा से फोटो वीडियो में ही देखे, आज सामने से देख लेते। तो मुझे आप एक बात बताओ, घर से इतनी दूर इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने आए हो या इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हो? बैठ जाओ। तो कल से जो भी हम पढ़ेंगे आप में से एक एक करके वहां पोडियम पे जा करके फिर से समझाना होगा, जिससे ये क्लियर हो सके कि आपने कितना समझा। बॉस भाई 5 मिनट और पहुंच गए। अरे मेहता सर के इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं गए? अरे कल तो जाओगे ही, तो वहीं देख लेना। अरे रौनक भाई, हाँ ये पहनना नहीं था तो दो हेलमेट क्यों लाए? अरे यार थोड़ा पुलिस का चक्कर हो जाता है, बाकी बाल का केयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। दूध पीने से चेहरे पे रौनक आती है और डार्क सर्कल भी ठीक हो जाता है। पहले यहां विकास रहता था, अब वो राजेंद्र नगर शिफ्ट हो गया, तो अब से तुम यहां सोओगे और हम वहां। सुनो जल्दी सो जाना और कल टाइम से उठ जाना, मेहता सर बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान है। हाँ गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द मेहता क्लासेस, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो मैम। या मुझे एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी थी। ओके, आपने कभी फॉर्म फिलअप किया है पहले कभी? नहीं। ओके सो ये हमारी फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसमें आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगे। ओके एंड ये आपकी क्लासेस की डिटेल्स रहेगी। ओके एंड ये फॉर्म फिलअप करके आपने सबमिट कर देना एंड वेटिंग एरिया में वेट करना। इधर वेटिंग एरिया? या जी वेटिंग एरिया। Excuse me, 500 for the form.
रंजन कुमार प्लीज कम। हमारे पास है तीन बैच, पहला फाउंडेशन, दूसरा रैंकर्स और तीसरा टॉपर बैच। और अगर आप इस तीसरे बैच में चले गए एक बार, मेहता सर तीसरे बैच में तीन क्लासेस वीक में मिल जाएंगे। सर क्यों नहीं मिलेगा? ये बैच आपके लिए बना है, अब आप तो अपने आदमी है, फिर आपको कुछ कम कर देंगे। सर फी कितना है? पूरे मुखर्जी नगर में आपको इतने कम पैसों में कोई पढ़ा ही नहीं सकता। और चलिए पढ़ा भी दिया, लेकिन आपको कोई IAS नहीं बना सकता। मेहता सर इस मामले में बहुत रीजनेबल आती है। फाउंडेशन बैच का फी है 1.5 लाख रुपए, रैंकर्स बैच 1.70, और ये तीसरा बैच जो टॉपर्स बैच है 2.5 लाख रुपए ओनली। क्या हुआ? फी बहुत ज्यादा लग रहा है। कौन सा तुमको एक बार में पे करना है, इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। अच्छा चलो इसमें भी कोई तकलीफ है तो हम लोन करवा देंगे बहुत आसान किस्तों पे। एडमिशन फी निकालो, सीट बुक कर देते हैं। सर पैसा तो अभी लाए नहीं है। सर पापा किसान है हमारे, मासिक आय उतनी होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे टिक लगाए हैं। बस सर एक बार मेहता सर से मिला दीजिए, हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, हमेशा उनको फोटो वीडियो में हमेशा देखे हैं। सर एक बार मिलवा देंगे हम, जरूर पक्का कुछ सोचेंगे सर, प्लीज आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। मेहता सर चलिए। बहुत बढ़िया सर, सर पोज चेंज करिए। हाँ सर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट सर। एक बार ना ऐसे हाथ करिए इस साइड वाला, हाँ हाँ, और दूसरे साइड वाला भी सर, हाँ बहुत बढ़िया। इस साइड ना सर पिछले साल वाले टॉपर का फोटो लगा देंगे और इस साइड जो है आने वाले टॉपर का फोटो लगा देंगे सर। स्माइल बहुत बढ़िया सर। सर एक सिंपल रखते हैं। हाँ सर, वो न्यू एडमिशन आया हुआ था, भेज दो अभी, भेज दो। ठीक चलिए। ओके सर, थैंक यू। आपको मैगजीन फोटो वीडियो में बहुत देखे हैं सर, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सपना सच होने जैसा है सर। सर पहली बार आपका इंटरव्यू देखकर ही IAS बनने का सोचे थे, और सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन जैसे हैं। सर आपके गाइडेंस में रहें ना तो एक दिन जरूर IAS बन जाएंगे। मेरे बच्चे, योर डिसीजन कैन मेक यू फ्रॉम नो वन टू समवन। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ट्रस्ट मी मेरे बच्चे, एक दिन आप IAS बन जाओगे। लेकिन सर एक दिक्कत है सर। आज से आपकी सारी दिक्कत सारी परेशानी मेहता क्लासेस की, जब तक आप IAS नहीं बन जाते तब तक मेहता क्लास आपके साथ है। सर एक दिक्कत है सर। एक काम कीजिए, इनको फाउंडेशन वाले बैच में डालिए, जैसे जैसे आप टेस्ट पास करते जाएंगे वैसे आपको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। कि सर एक दिक्कत। अरे क्या दिक्कत है, बात कर रहे हैं ना। आपको कोई कंफ्यूजन? आपको है तो बताइए। सर ये BPL से आते हैं सर। बच्चे आप बाहर इंतजार कीजिए। महेश जी कब काम करना सीखिएगा आप? मेहता क्लासेस की पॉलिसी जानते हैं ना आप? ये कंपनी
ये क्लासेस, आपकी सैलरी पैसों से चलती है, इमोशन से नहीं। अरे जिनको जिनको शर्ट खरीदने की औकात नहीं है, उनको खाकी पहनने का ख्वाब दिखा रहे हैं। सर मैंने कहा, जाइए, निकलिए, गेट आउट। आपको मैगजीन फोटो वीडियो में बहुत देखे हैं सर, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सपना सच होने जैसा है सर। सर पहली बार आपका इंटरव्यू देखकर ही आईएएस बनने का सोचे थे, और सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन जैसे हैं। सर आपके गाइडेंस में रहेंगे तो एक दिन जरूर आईएएस बन जाएंगे। अरे जिनको शर्ट खरीदने की औकात नहीं है, उनको खाकी पहनने का ख्वाब दिखा रहे हैं।